अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह और खैरियत से होंगे। तो जी, आज का दिन स्टार्ट होता है और मेरा व्लॉग भी हमेशा की तरह आज के जो है न्यू डे से न्यू व्लॉग स्टार्ट होगा, ठीक है? तो बस यहाँ पे आज जो है सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और यहाँ पर जो है काम घर का बहुत ज़्यादा है। और कल रात में हम गए थे मार्केट, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था उस टाइम पर और मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी। तो बस मार्केट में जो है जाते ही साथ अब बस ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह की और वापस आ गए थे, तो उस दौरान मैं वीडियो शूट कर नहीं पाई और क्योंकि मोबाइल भी लेकर नहीं गई थी तो इसलिए भी। तो बस ये था कि सामान सारा भी बिखरा हुआ है क्योंकि रात में आते ही शादी हमने सामान जो रखना था कुछ जगहों पे रखा और बस दिल नहीं कर रहा था तो वो सब फैला हुआ है, तो वो मैं सब उठाऊँगी, उसे समेटूँगी और उसके साथ साथ नाश्ता बनाऊँगी। और बस मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर में उठ के काम पर चले जाएँगे और मिकाइल भी सो रहे हैं। तो चलें जी, नया डे नया व्लॉग, स्टे टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लेट्स गो। चलें जी भाई, जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर सारे मैंने सामान निकाल दिए थे, जो भी शॉपिंग के सामान जो हम लेकर आए थे रात में। रात में हम गए थे 12:30 बजे शॉपिंग करने ग्रोसरी वगैरह की, तो क्योंकि घर में जो है ऑलमोस्ट ग्रोसरी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वेजीज एंड फ्रूट्स एंड समथिंग कार्ब्स एट्सेट्रा, तो बस वो चीज़ें लेने हम गए थे। तो बस मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता है अक्सर दिन में, तो हम रात में ही ज़्यादातर जाते हैं और या तो उनके छुट्टी वाले दिन। लेकिन बस अभी ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी तो इसलिए हम उसी रात ही चले गए, क्योंकि दिन में तो मेरे हस्बैंड दोबारा काम पर चले जाते हैं तो इसलिए बस रात में ही जाना पड़ा। और हम बस रात में मैं जब सामान लेकर आई थी तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि इतना घूम फिर कर हम आए थे। और मार्केट में तो आपको पता ही है, जब आप सुपरमार्केट जा रहे हो और फिर जल्दी वापस आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो घूमते रहे सामान ढूंढते रहे ढूंढते जो है आकर वापस बहुत थकन महसूस हो रही थी। तो बस मैं जो है सामान वामान इधर उधर रख कर जगहों जगहों पर मैंने उठाया नहीं था उनको अपने जगहों पर, बस इधर उधर मैंने रखा और सो गए थे क्योंकि बहुत थकन महसूस हो रही थी इसलिए। तो बस अभी मैं सुबह सुबह मैंने ये काम शुरू कर दिया था, तो सब मसालों को मैं उनके मसालों के डिब्बों में डाल रही थी जो कि ख़त्म होने वाले थे। फ्रूट्स को मैं उठा चुकी थी फ्रिज के अंदर उनके सही जगहों पर और सेक्शन बनाकर उनके बास्केट वगैरह में डालकर मैंने रख दिए थे। तो ये देख सकते हैं मसाले जो हैं वो मैं अपने हिसाब से मिलाती हूँ, ज़्यादा नहीं लाती, बस जितना जितना जब जब मुझे चाहिए होता है जितना, तो मैं उसी हिसाब से लेती हूँ मसाले वगैरह, क्योंकि मार्केट नज़दीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाएं तो दोबारा इतना ज़्यादा लेकर आएँ, तो मैं फ़्रेश ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेती, जितना मुझे चाहिए होता है उसी हिसाब से मैं कुछ दिन के हिसाब से मैं लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि सब डब्बों में सारे मसाले आ जाए, सिनेमन और बड़ी इलायची, काली बड़ी इलायची, वाइट इलायची एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें मैं लेकर आई थी। और कुछ मसालों के जो है वो जैसे कि धनिया पाउडर, नमक तो खैर था, और बाकी जो गरम मसाला वगैरह चीज़ें मैं लेकर आई थी। तो ये मेन मसाले होते हैं जो आपको हर खानों में चाहिए होता है, स्पेशली सारे पाकिस्तानी जितने भी खाने हैं सब में ये मसाले यूज़ होते हैं, और हम बेसिकली ज़्यादातर पाकिस्तानी ही खाने बनाते हैं घर पे, तो इसीलिए ये मसाले तो मस्ट होने चाहिए। तो जी, यहाँ पर मेरे सारे जो है मैं बस साथ साथ जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मिकाइल भी थोड़ी देर में उठ जाता तो मुझे वो काम नहीं करने देता है, तो इसीलिए मैं सुबह उठकर ही मैंने ये काम शुरू कर दिया ताकि ये सारा जो गंद फैला हुआ था ये सब साफ़ हो जाए और बस मैं इनको जल्दी जल्दी समेट कर नाश्ता बनाने की तैयारी कर सकती थी।
तो जी ये तीसरा सेक्शन मेरा ग्रोसरी का आ गया, जिसके अंदर मीट वगैरह था जो कि मैंने रात में बस ऐसे ही उठाकर डाल लिया था, तो मैं इनको निकाल कर वापस से सही तरीके से रख रही थी। और ये तरबूज था जो कि आधा तो हम शायद रात में खा ही चुके थे, और उसके अलावा जो है अभी मैं थोड़ा सा, क्योंकि तरबूज मुझे देखते ही साथ ही ना मुँह में पानी आ जाता है, तो बस मैं काट के साथ साथ खा भी रही थी और काम भी कर रही थी। और ये जो तरबूज हम लेकर आए थे वाटरमेलन, दैट वॉज सो स्वीट, बहुत मज़ेदार था ये। वैसे ज़्यादातर हम लाते हैं तो इतना मज़े का नहीं होता जितना ये था। तो खैर बस काम भी साथ साथ हो रहा था और साथ साथ खा भी रही थी, तो ये बस ये था कि काम भी जल्दी जल्दी में जा रही थी हो जाए। और ये मिकाइल के लिए कुछ लेग पीस के हम पैकेट्स लेकर आए थे, और उसके साथ ये सॉसेजेस थे जिसमें से मैं बाकी जो है वो फ्रीज़र में रख दिए थे, एक जो है वो मैंने नीचे रखा था डिफ्रोज़ होने के लिए। तो ये जी मैंने एक नीचे रख दिया था, बाकी ऊपर फ्रीज़र में जब मुझे नीड होती है तो मैं उसको एक दिन पहले ही निकाल के नीचे फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं नेशनल का मसाला लेकर आई थी, बिरयानी मसाला और कुछ कस्टर्ड पैकेट्स वगैरह जेलो, जो कि मिकाइल बहुत शौक़ से खाता है। और ये नूडल्स जी मेरे लिए था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ही क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया ही था कि आई लव नूडल्स, और मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब पेरेंट्स को पसंद हो तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चे को पसंद ना हो, तो मिकाइल भी बहुत शौक से खाता है नूडल्स। जब भी हमें खाते हुए देखता है और उसके मुँह में पानी आता है, और उसको लाजमी चाहिए होती है। और जी यहाँ पे ये नीचे जो सेक्शन मैंने बनाया था नूडल्स एंड स्नैक्स वगैरह के, तो मिकाइल को देखते ही साथ ही जो है उसे पता लग गया कि मैं कुछ डाल रही हूँ, तो फ़ौरन से उसे निकालने आ गया था। तो मैंने उसमें कुछ नट्स और दाल से वगैरह उसको डाल के, ड्राई चीज़ें डाल के मैंने उसे दे दिए थे, जो कि वो वहाँ सोफ़े बैठ के आराम से खा रहा था, ताकि बस मैं जो है काम करते रहूं और वो अपना जो है यहाँ पर बैठ के खाना पीना करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये, वरना अगर मैं नहीं देती से तो बहुत ज़्यादा तंग करता मुझे किचन के अंदर। और जी यहाँ पर मैं अपने बालों का केयर के बारे में सोच रही थी। शाम 3 से 4 बजे के टाइम पर मैंने जो है ये मास्क बनाया था। सारे काम से फ्री होने के बाद मैं चाह रही थी कि थोड़ा अपना भी केयर करूँ, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर वो अंडे लिए जो मिकाइल साहब फ्रिज खोलते ही साथ ही उसने तोड़ दिए थे। तो कुछ दिनों से मिकाइल काफ़ी फ्रिज खोल खोल के तंग आ रहा था, जिसमें से उसने 2-3 अंडे तोड़ दिए थे, जो कि मैंने ज़ाया नहीं किया, मैंने कंटेनर में डाल कर रख दिया था। और एक राइप हुआ हुआ बनाना मैंने उसके अंदर मिक्स कर दिया, जो कि मैंने फेंका नहीं था, उसको मैंने उसी अंडे में डाल कर सेव किया था, ताकि वो जो है उसे मैं बाद में ब्लेंड करके ऑयल, जो आपने देखा कि कोकोनट ऑयल डालकर मैंने उस मास्क को बनाया था, काफ़ी ज़्यादा वो यूज़फुल मास्क है आपके बालों के लिए, और आप उसे हफ्ते में 2 मरतबा तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, जो कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आपके बालों के लिए सिग्निफिकेंट है। और जी यहाँ पर मेरे बालों की एप्लीकेशन अच्छे से हो रही है, जैसे कि आप देख सकते, अंदर तक मैंने अप्लाई किया था। तो यहाँ पर शाम में मैंने मिकाइल के लिए कस्टर्ड बनाने का सोचा, जो कि मैं लेकर आई थी। मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो मैं चेक करना चाह रही थी कि कैसा बनता है, क्योंकि ये मैंने ब्रांड का कभी यूज़ नहीं किया था, जेलो और कस्टर्ड बोथ ऑफ देम। सो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि अक्सर लम्स बन जाते हैं, आपसे गर्म गर्म दूध में अगर आप डालेंगे तो वो लम्स बन जाएंगे, तो अलग से ठंडे दूध में आप उसे घोल के, जितना भी आप यूज़ करें 1 लीटर के लिए ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून इज़ इनफ, तो उसे इसमें जो है मैंने अच्छे से घोल के अलग से प्याले में फिर इसके अंदर मिक्स कर दिया था, जो कि बिल्कुल भी लम्स नहीं बने, अच्छे से ये घोल चुका था। और साथ ही मैंने जो है वो जेलो को भी बना दिया था। जेलो जो है वो मैंने हाफ प्याला डाला, मैं चेक करना चाह रही थी कि ये बनता है या नहीं, लेकिन वो नहीं बना, तो बाद में मैंने पूरा ही जेलो का पैकेट डाल दिया था। और साथ साथ मैं मिकाइल के लिए जो यहाँ पर श्रिम्प राइस बना रही थी, श्रिम्प वेजीज राइस, तो उसमें आप देख सकते हैं मिकाइल मुझे कैसे तंग कर रहा था। श्रिम्प को मैंने पहले अच्छे से मसाला लगाया, उसे मैरिनेट करने रख दिया था 5-10 मिनट के लिए, जिसमें धनिया पाउडर, नमक और हल्के फुल्के मसाले आप जैसे बच्चे को दे रहे हैं तो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, जो कि तेज़ ना हो। तो यहाँ पर मेरी मैरिनेशन हो चुकी थी, फिर बस मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून सॉल्टेड बटर के साथ ये मैं इसको अच्छे से आप कह सकते हैं फ्राई करने रख दिया, लाइट मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद मैंने जो है वेजीज डाल दिए। वेजीज में मैंने आप देख सकते हैं बीन, कैरेट,
कॉर्न और मटर वगैरह डाला था, जो कि आप कोई भी वेजीज डाल सकते हैं। उसके साथ मैंने चावल भी डाल दिए थे जो ऑलरेडी बॉइल्ड थे। तो बस मिकाइल वो शौक से खा रहा था, और जब तक मैंने यहाँ पर कस्टर्ड के लेयर्स बिछा दिए थे केक फ्रूट्स में, कीवी सेब और एप्पल ग्रेप्स वगैरह वगैरह। तो भाई कस्टर्ड में तो आप कोई भी जो है वो डाल सकते हैं फ्रूट्स, क्योंकि सारे ही बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं विदाउट देम, जो कि सीड्स होते हैं जिसके अंदर। तो ये मेरे कस्टर्ड का जो है मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका था, और उसके बाद बस मैंने ये कस्टर्ड को अंदर फ्रूट्स के ऊपर डाल दिए। नीचे की लेयर के बाद मैंने कस्टर्ड की लेयर बिछा दी, और उसके बाद मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में कुछ टाइम के लिए, ताकि कस्टर्ड जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। और जी यहाँ पर बस मेरी लेयर बिछ चुकी थी, अब मैं जाऊँगी इसे फ्रिज के अंदर रखने के लिए ताकि अच्छे से कूल डाउन हो जाए, और फिर इसके ऊपर मैं बाकी फ्रूट्स वगैरह डाल के अच्छे से डेकोरेट कर सकूं। तो जी यहाँ पर मेरा ये काम तो ख़त्म हुआ, और आज कुकिंग में कुछ कुक नहीं करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेकर आएंगे बाहर से फास्ट फूड, जो कि मैं आपको अभी दिखाने लगी हूँ। ये रहा, तो इसके अंदर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे बर्गर, प्रॉन्स बर्गर लेकर आए थे, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। बाकी सारे बर्गर में यही बर्गर बहुत ज़्यादा अच्छा जायका, और इसके अंदर जो प्रॉन्स होता है ना, वो काफ़ी मज़ेदार जायका दे रहा होता है चीज़ के साथ। और बस जी यहाँ पर हम खाने लगे थे, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर से कैसा दिखता है। और इसकी एक बहुत ज़्यादा जो है ये नज़दीक है हमारे घर से, इतना भी नहीं पर है नज़दीक, इसकी डिलीवरी जो है जल्दी हो जाती है, तो इसलिए गर्म गर्म होता है, इसलिए मुझे इसको माइक्रोवेव में गर्म करना नहीं पड़ा। तो खैर काफ़ी मज़ेदार बर्गर है ये, और हमें तो खैर वाकई बहुत पसंद है। और ये इसके साथ जो पिकल्स होते हैं और फ्रेंच फ्राइज, तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, साथ साथ खाने में ही मज़ेदार सा जायका दे रहा होता है। खैर यहाँ पर जो है हम खा पी चुके थे, और मैं जो है वो कस्टर्ड का शूट करना भूल गई थी बाद में, क्योंकि मैंने जो ऊपर डेकोरेट वगैरह किया था काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन मैं शूट करना भूल गई, और बस बाद में सुबह मुझे खाते हुए याद आया, ओ मैंने शूट तो किया ही नहीं। तो उसी दौरान मैं आप लोगों को ये शूट करके दिखा रही थी कि बहुत मज़ेदार बना था, और कस्टर्ड तो होता भी वैसे भी बहुत मज़ेदार होता है। तो खैर आज का व्लॉग इतना ही था, होप यू लाइक इट। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल दैट अल्लाह हाफिज़, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।